नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सोमू सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी का इस शिक्षण सत्र में स्वागत करता हूँ। यह शिक्षण सत्र कोर्स 507 समुदाय और प्राथमिक शिक्षा के ब्लॉक 1 की इकाई 3 के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा में समुदाय की भागीदारी, सरकारी प्रयास पर आधारित है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकारी प्रयास किस प्रकार किए जाते हैं। सबसे पहले हम यह पड़ताल करेंगे कि आखिर भारत में कब से यह सोचा गया कि समुदाय की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, कब औपचारिक रूप से इसको लाने की बात की गई। 1980 के मध्य में विभिन्न सरकारी रिपोर्ट और नीतियों ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की वकालत करना आरंभ किया जो कि समुदाय के प्रति अधिक जवाबदेह हो। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का प्रमुख बिंदु सामुदायिक भागीदारी बनकर उभरा, जिसमें विकेंद्रीकरण को शैक्षिक सुधारों और परिवर्तनों के प्रमुख घटक के रूप में महत्व दिया जाने लगा। आप सभी लोकतंत्र की खूबसूरती से परिचित हैं, अवगत हैं। लोकतंत्र में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि स्थानीय स्तर पर लोग अपनी समस्याओं के अनुरूप समाधानों की कोशिश के लिए प्रस्ताव दें, उस पर कार्य करें, अपनी मांग रखें और उनको निर्णय लेने की आज़ादी हो, निर्णय लेने का अधिकार हो, चीज़ों को प्रभावित करने का अधिकार हो, चाहे मामला शिक्षा का हो, चाहे मामला स्वास्थ्य का हो, चाहे विकास के अन्य पैमानों का हो। तो कहीं ना कहीं यह एक शुरुआत थी जिसमें विकेंद्रीकरण को प्रमुख केंद्र में रखा गया कि जो भी शैक्षिक सुधार होना है, जो भी परिवर्तन हम चाहते हैं, बिना विकेंद्रीकरण के संभव नहीं है। और विकेंद्रीकरण के साथ साथ सामुदायिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसका जो कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 और पंचायती राज संस्थान का जो संवैधानिक पुनर्जीवित होना, कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जिसमें विद्यालय व्यवस्था को सुधारने हेतु समुदायों को सशक्त बनाकर विद्यालयी शिक्षा में उनकी सहभागिता और भागीदारी को बढ़ावा देने की बात की जाने लगी। ये दो महत्वपूर्ण हम कहें टर्निंग पॉइंट हैं जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करते हैं और उसका जो कार्यान्वयन कार्यक्रम है 1992 उसकी बात करते हैं, और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उससे एक वातावरण निर्मित हुआ जिसमें हमने समुदाय को ही विद्यालय के व्यवस्था के संचालन व विकास में कहीं ना कहीं भूमिका को रेखांकित करना प्रारंभ किया। एक पक्ष और है जो बहुत चर्चा में नहीं आ पाया, उसकी वजह भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पूर्व 1979 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसमें बिंदु संख्या 19 के अंतर्गत स्थानीय समुदाय की सहभागिता पर विशेष बल दिया गया। इसमें स्थानीय समितियों जो संस्थाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी व उन्हें अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सहायता करेंगी की स्थापना के द्वारा स्थानीय समुदाय को अपने क्षेत्र के स्कूलों में जोड़ना वांछनीय मानने की बात कही गई।
ये मसौदा 1979 में आया, लेकिन 1980 में जनता सरकार के गिर जाने के कारण इस मसौदा शिक्षा नीति को संसद की स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। आप सभी के सामने इसको रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कहीं ना कहीं उस समय शिक्षाविदों को और शैक्षिक प्रशासकों को ने यह सोचना शुरू किया था कि स्थानीय समुदाय की भूमिका विद्यालय के प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्थानीय समितियां बनाई जाएं। ये बात इस मसौदे से स्पष्ट आपको समझ में आ रही है। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके निर्माण से पूर्व में भारत सरकार ने अगस्त 1985 में 68 पेज का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसका नाम था शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। वस्तुतः यह दस्तावेज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की दिशा में एक आधार पत्र था। इसमें अध्याय 4 के अंतर्गत यह एक प्रमुख चिंता रखी गई बाधा के रूप में कि शैक्षिक नीति के निर्माण में प्रबंध की जो विकेंद्रित प्रणाली है, उसमें जो शिक्षा संबंधी नौकरशाही अपने विशेष अधिकार को खो बैठने के डर से विरोध कर सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं इस दस्तावेज में इस बात का जिक्र किया गया था कि जो शिक्षा संबंधी नौकरशाही है, उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में, वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके अधिकार उनसे छीन कर स्थानीय स्तर पर समुदायों को, ग्राम शिक्षा समितियों को, विद्यालय प्रबंध समितियों को, ग्राम प्रधानों को, पंचायत के सदस्यों को दिए जाएं। इसकी चर्चा अप्रत्यक्ष रूप से इस दस्तावेज में थी, और यह दस्तावेज वह दस्तावेज है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, या कहें हम न्यू के रूप में काम किया, और बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें और प्रस्ताव 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आए उस चिंता को दूर करने के लिए। खंड 10 में शिक्षा का प्रबंध कैसे हो, इस शीर्षक के अंतर्गत यह सिफारिश की गई कि शिक्षा की योजना एवं प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, दीर्घकालीन योजना बनाने, विकेंद्रीकरण व शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता की भावना का निर्माण, योजना व प्रबंध में महिलाओं की सहभागिता, उद्देश्य व मानकों के संबंध में उत्तरदायित्व, इस परिवर्तन में निर्देशक बिंदु होंगे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकेंद्रीकरण पर बहुत जोर दे करके कहा गया कि यह स्कूली शिक्षा में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। जिला शिक्षा परिषदों का गठन किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व दिया जाएगा। विद्यालय संकुल विकसित किए जाएंगे, जिन्हें अभी आप क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स के नाम से जानते हैं, या उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर के नाम से जानते हैं, या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में सिफारिश 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। इसके बाद 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया और उसमें मामूली सुधार किए गए, परंतु अर्जित उपलब्धियों एवं प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नए ढंग से पुनः कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में तैयार किया गया, और इस कार्यान्वयन कार्यक्रम में भी शिक्षा के प्रबंध का विकेंद्रीकरण प्रमुख केंद्र बिंदु रहा।
और इसमें कहा गया कि शिक्षा के प्रबंध का विकेंद्रीकरण करते हुए शिक्षा को काफ़ी हद तक पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित किया जाएगा। प्रारंभिक व अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए शैक्षिक तथा गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। अभी आप सभी शिक्षार्थी ये देखते होंगे कि आपके ब्लॉक में या आपके गांव में कई गैर सरकारी संगठन भी प्राथमिक शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने के लिए या महिलाओं की जो समस्या है, बच्चियों की जो समस्या है स्कूल ना आने की, उसको कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसको भी बढ़ावा देने की बात 1992 के कार्यान्वयन कार्यक्रम में की गई। विभिन्न स्तरों, संस्थागत और वैयक्तिक पर निष्पादन देने एवं जवाबदेही के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाएगा। विद्यालय संकुल योजना को जारी रखा जाएगा एवं स्थानीय स्तर पर नियोजन व प्रशासन करने पर जोर दिया जाएगा। विद्यालय प्रशासनिक तंत्र को उत्तरदायी बनाया जाएगा एवं अध्यापकों को समाज के प्रति तथा समुदाय को स्कूल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार सामुदायिक भागीदारी को केंद्र बिंदु में लाया गया, विशेष रूप से शिक्षा के प्रबंध की जो बात है उसमें 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके बाद का कार्यान्वयन कार्यक्रम, इन दोनों में जो प्रस्ताव आए, भारत सरकार ने उस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया और उसके अनुपालन में राज्य सरकारों ने कई स्थानीय संस्थाएं और स्थानीय ढांचा निर्मित किए, जिसमें आप सभी जानते हैं ग्राम शिक्षा समिति और भी कई इस तरह के सहभागी ढांचे निर्मित किए गए। सामुदायिक विकास से सामुदायिक भागीदारी की ओर कदम बढ़ाए गए और जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारा 73वां संविधान संशोधन पंचायतों और नगर पालिकाओं को शैक्षिक विकास की योजनाओं को तैयार करने व क्रियान्वित करने का अधिकार सौंपता है। तो जो पंचायतें ग्राम के विकास के लिए सड़क का निर्माण करवा रही हैं, नलकूप का निर्माण करवा रहे हैं, नलकूपों को लगवा रही हैं या और भी ग्राम विकास की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं, उन्हीं को शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट थे जिसके बाद समुदाय शिक्षा की व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ। जब हम समुदाय की बात करते हैं तो आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिर किसकी बात की जा रही है। तो समुदाय से तात्पर्य, हम बात करते हैं कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक, उनके माता पिता, आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आपके गांव के ग्राम प्रधान या सरपंच या हम कहें मुखिया या ग्राम पंचायत सदस्य, ये आपकी विद्यालय प्रबंध समिति का या ग्राम शिक्षा समिति का हिस्सा बनकर विद्यालय की न केवल विकास योजना को बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, बल्कि यदि आवश्यकता भी पड़े तो विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से भी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान से आप सभी परिचित होंगे। ये भारत सरकार का एक बहुत ही सफल राष्ट्रीय कार्यक्रम है
जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक उपयोगी एवं सार्थक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना और समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं बालक बालिका भेद को समाप्त करना। यह अभियान जब आया था तो इसमें प्राथमिक रूप से यह लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2010 तक का। बाद में इसकी सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने इसकी कार्यावधि को बढ़ाया और इसके अंतर्गत धन राशि आवंटित की गई, और जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है हमारे समक्ष, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को एक धुरी के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया। और इस अभियान के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समितियों का गठन हुआ। ग्राम शिक्षा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा समिति है। इसमें अगर हम बात करें तो समुदाय के लोग सदस्य के रूप में अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है वो ग्राम प्रधान होता है, और उसमें सदस्य के रूप में हेडमास्टर, अन्य शिक्षक, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता भी सदस्य के रूप में रहते हैं। गांव में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से नियोजित व संचालित करने का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को दिया गया। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक स्कूलों की स्थापना, अनुरक्षण व सुधार के लिए आवश्यक योजनाएं बनाती है तथा उन्हें क्रियान्वित करती है। इस समिति के विभिन्न शैक्षिक, आर्थिक व प्रशासनिक दायित्व हैं। यह समिति जन समुदाय व अन्य विभागों के सहयोग से अपना कार्य संपादित करती है। विभिन्न जमीनी स्तर की संरचनाओं जैसे ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति, माँ शिक्षा संगठन, अभिभावक शिक्षक संघ, महिला निगरानी समूह के निर्माण ने शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी को वास्तविकता के धरातल पर उतार दिया है। आप सभी देखते होंगे कि एक हेडमास्टर को या एक शिक्षक को अपने विद्यालय में कई समितियों का गठन करना पड़ता है। कभी कभी आप सभी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि आखिर इतनी समितियों की क्या आवश्यकता है, माँ शिक्षक संगठन की क्या आवश्यकता है, अभिभावक शिक्षक संघ की क्या आवश्यकता है, या महिला निगरानी समूह की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस रूप में अगर खोजें कि जिन अभिभावकों के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनको यह चिंता होनी चाहिए कि उनके विद्यालय की चार दीवार क्यों टूटी हुई है, उसका निर्माण किस प्रकार हो, उनके विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम है तो किस प्रकार अस्थायी शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, कैसे हम अतिथि शिक्षक को बुला करके कक्षाएं आयोजित कराएं, शिक्षक समय पर आते हैं या नहीं, यह भी देखने का दायित्व इन समितियों में किसी न किसी समिति के पास है। मिड डे मील की जहां तक बात है, मिड डे मील भी विद्यालयों में बनता है, उसकी गुणवत्ता का मसला है। शिक्षक निश्चित रूप से सभी शिक्षक या सभी हेडमास्टर ऐसे नहीं हैं जो गुणवत्ता के साथ समझौता करते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक या कुछ हमारे हेडमास्टर ऐसे हैं कि वो गुणवत्ता के साथ समझौता कर सकते हैं, ऐसा पाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समुदाय के लोग हैं वो अगर निरंतर
इस बात की निगरानी करें कि मिड डे मील में सब्जी की गुणवत्ता या मेनू में जो भी चीज़ बन रही है उसकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं, समस्त बच्चों को भरपेट भोजन मिल पा रहा है या नहीं। तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय की व्यवस्था है उसमें गुणात्मक सुधार जरूर आएगा, और शायद इसीलिए ये सामुदायिक भागीदारी की बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न सरकारी शैक्षिक कार्यक्रम जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समितियां, अभिभावक शिक्षक संगठन के गठन एवं भागीदारी को अधिक महत्व दिया गया। देश के समस्त राज्यों के स्कूलों में ग्राम शिक्षा समितियों और अभिभावक शिक्षक संगठनों का गठन किया गया। विभिन्न राज्यों में इसकी संरचना, स्वरूप, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में सूक्ष्म अंतर भी पाए जाते हैं। कई राज्यों में जो विद्यालय प्रबंध समिति है वो आरटीई एक्ट के आने से पहले भी उसी नाम से गठित की जाती रही है। कई राज्यों में ग्राम शिक्षा समिति को ही अभी विद्यालय प्रबंध समिति के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अभी दोनों ही ढांचे हमारे देश में विद्यमान हैं और कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में विद्यालय प्रबंध समिति को गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है, और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की प्रारंभिक शिक्षा के नियोजन और प्रबंध कार्य में भूमिका को स्पष्ट किया गया है। आप सभी देखते होंगे कि आप सभी के ऊपर या आपके प्रधानाध्यापक के ऊपर यह हम दबाव के रूप में उसको कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए उसको कह रहे हैं। देखा जाता है कि आरटीई एक्ट के प्रावधानों को लागू करने का दबाव रहता है। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, उसके लिए बड़े स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए हैं कि उसमें कितने सदस्य होंगे, किस अनुपात में उसमें महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, महिलाओं की का अनुपात क्या होगा, बच्चों के अभिभावकों का अनुपात क्या होगा, बैठक किस प्रकार आयोजित की जाएंगी, यह सारी बातें उस शिक्षा अधिकार अधिनियम में स्पष्ट रूप से अंकित की गई हैं। आप सभी ने यह समझने की कोशिश की होगी अपने क्रियाकलापों के दौरान कि बहुत सारी सरकारी एजेंसी हैं, सरकारी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं सरकार का विद्यालय के प्रबंधन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास को स्पष्ट करती हैं। जैसे हम एक महत्वपूर्ण संस्था का जिक्र आप सभी से करना चाहेंगे, NCERT। NCERT विद्यालयों के लिए पुस्तकों का प्रकाशन करती है और वो पुस्तकें हमारे विद्यालयों में संचालित होती हैं। तो कहीं ना कहीं NCERT की भी ये चिंता है कि गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम विद्यालयों में लागू हो, अच्छी पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षण अधिगम करें। ऐसी ही दूसरी महत्वपूर्ण काउंसिल है NCTE। NCTE भी हमारे शिक्षक शिक्षा के लिए नियमों एवं मानकों, न्यूनतम अर्हताओं को निर्धारित करती है। जो शिक्षक हमारे प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन NCTE तय करती है, इससे भी आप परिचित हैं। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और उनकी जो टीम है, सहायक शिक्षा अधिकारी जो हर ब्लॉक में रहती है, यह भी सरकारी प्रयास ही हैं जिनके माध्यम से
विद्यालय की निगरानी की जाती है, सहायता प्रदान की जाती है और विद्यालय प्रबंध समिति या ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भेजा गया जो प्लान है विद्यालय विकास का, उस पर इन अधिकारियों द्वारा सकारात्मक रूप से विचार किया जाता है और विभिन्न मदों में अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे स्कूल में बहुत सारी शैक्षणिक गतिविधियां संचालित हो सकें, साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें खेलकूद या अन्य गतिविधियां भी समय पर संचालित हो सकें। विद्यालय भवनों का की मरम्मत हो सके, नए अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो सके, विद्यालय में कंज्यूमेबल आइटम्स को भी ख़रीदा जा सके, फर्नीचर को भी ख़रीदा जा सके, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का भी प्रबंध हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा प्रस्ताव के आधार पर अनुदान दिया जाता है। तो यह सारे सरकारी प्रयास हैं जिनसे आप परिचित हैं और आप महसूस करते होंगे कि सरकारी प्रयासों के द्वारा ही हमारा जो समुदाय है वह विद्यालय के प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करता है। आप सभी ने विद्यालयी शिक्षा में समुदाय की जो भूमिका है उसके अंतर्गत सरकारी प्रयासों को समझने की कोशिश की। यह शिक्षण सत्र यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।